जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ ये आपका टॉपिक है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की बात की जाए तो फार्मास्यूटिक्स, ठीक है? तो इसमें ये टॉपिक है आपका टॉपिकल एजेंट। इसके पहले हम बहुत सारा टॉपिक अटेम्प्ट कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो थोड़ा सा आप जाके केयर करके, आप प्लेलिस्ट में सारी चीज़ डाल दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, धीरे धीरे सारी टॉपिक आपको इजी वे में ऐसे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है? जिससे आपका क्या होता है, डी फार्मा, जिससे इंडिया को एक नया रिवोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिकल एजेंट, नाम से ही पता है टॉपिकल मतलब क्या हो गया, ऐसा एजेंट जो बाहर की तरफ यूज किया जाता, टॉपिकल एजेंट कहलाता। बस इतना आप लिखिए, ये जरूर पॉइंट आप लिखिएगा। क्या लिखा है? दीज डोजेज फॉर्म इज जनरली अप्लाई टू द स्किन, बाहरी है ना, स्किन पे यूज करना, म्यूकोसल सरफेस का यूज करना, ये ट्रॉपिकल एजेंट कहलाता है, ठीक? टॉपिकल डोजेज फॉर्म आर यूज फॉर लोकल इफेक्ट, मतलब क्या होगा, लोकल इफेक्ट होगा। जैसे मान लेते स्किन पे कोई चीज़ है आपका इरिटेशन वगैरह कहला, तो यहाँ से यूज करेंगे, मतलब लोकल इफेक्ट है, लोकल इफेक्ट हो गया, ये हो गया। अब देखिए मोस्टली क्या होता है, टॉपिकल एजेंट एक्सटर्नल यूज के लिए मोस्टली 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 किए जाते हैं। जैसे आपका स्किन हो गया, फेस हो गया, और क्या नहीं, वेजाइनल हो गया, यानी और हमारा एनस हो गया, रेक्टम हो गया, इन सब को हम यूज करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, ट्रॉपिकल एजेंट में ये आप सब यूज कर सकते हैं, ठीक? टॉपिकल डोजेस फॉर्म इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो सकता है, इंक्लूडेड एरोसॉल क्रीम हो सकता है, इमल्सन हो सकता है, जेल हो सकता है, लोशन हो सकता है, अंटमेन हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, पाउडर हो सकता है, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें आप क्या क्या होता है, ट्रॉपिकल। अब बताओ इसमें से जितना भी पढ़े हैं बताओ, सब ट्रॉपिकल एजेंट, मतलब केवल और केवल एक्सटर्नल, अंदर नहीं। अब तुम बताओ, कोई कहेगा क्रीम खा जाओ, फेयर लवली खा जाते हो? नहीं खाते हो ना, लगाते हो यार, जिससे चमकते हैं आप, ठीक है? क्रीम है, ठीक, क्रीम हो गया। अब बताइए एरोसॉल, एरोसॉल बताओ, बोलते हैं स्प्रे वगैरह लाते हैं ना, कहते हैं स्प्रे कर देते हैं, डाइक्लोफेनेक का स्प्रे आता है, ठीक, जैसे क्या होगा, सुमो हो गया, अब मतलब डाइक्लोफेनेक में बहुत सारी आती हैं, ठीक है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक। एरोसॉल जो होता है क्या कर देते, स्प्रे कर देते हैं। अब कहते हैं जाओ जेल लेकर आओ, यार बहुत तेज दर्द कर रहा है, तो उसमें जेल लेके आते हैं, ऐसा थोड़ी ना जेल को हम पूरा खा जाते हैं, नहीं, वो जहाँ पर जिस एरिया में हमें चोट लगी रहती है या कोई इन्फेक्शन रहता है उसका यूज हम कर लेते हैं, जिससे हमारा घाव ठीक हो जाता है। तो जेल भी तुम्हारा क्या होता है, लोशन है, कहते हैं लोशन लगा लो, ठीक है। अंटमेंट हो है, तब ये भी एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। पेस्ट हो गया, पाउडर हो गया, ऐसा पाउडर थोड़ी ना पाउडर तुम पी के खाई से पी जाते हो, नहीं ना, ठीक, वो तो अलग होती है, जो कहते हैं प्रोटीन, वस्तु पूछेंगे सर प्रोटीन पाउडर, वो अलग चीज़, वो एडिबल है, उसे हम एक्सटर्नल यूज मतलब नहीं कर सकते। वो उसे सॉलिड डोजेज फॉर्म इसलिए रखा गया है कि किसी के थ्रू हम, चाहे मिल्क के थ्रू चाहे वाटर के थ्रू, हम इजिली इनटेक कर सकें, ठीक। तो ये सब यानी क्या होती हैं, आपका ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत आती हैं। इंक्लूड प्रोडक्ट आल्सो सम नेजल, मतलब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे नेजो क्लियर आता है ना, एक नेजो क्लियर आता है, जो क्या कर देते हैं, कुछ ड्रॉप किसी हम कॉटन वगैरह में लेके और यहाँ से इजीली हम नाक को अपना सेपरेट, मतलब ये क्लियर कर सकते हैं। यानी ऑप्टिक प्रिपरेशन, मतलब कुछ होते हैं आँख के लिए, कान के लिए, जो ड्रॉप वगैरह आते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कान के अंदर अंदर डालते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सिक्रीशन के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये सब जो जो फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रॉपिकल एजेंट कहलाती हैं। क्या समझना, ट्रॉपिकल एजेंट आर दोज एजेंट विच यूज टू एक्सटर्नल ओनली, ऑन स्किन पे यूज कर सकते हैं, म्यूकोसल सरफेस पे यूज कर सकते हैं, और लोकल इफेक्ट जो होता है सब पे यूज कर सकते हैं, किसका, ट्रॉपिकल एजेंट का, क्रीम पाउडर जेल इमल्सन अंटमेंट लोशन वगैरह सारा तुम वहाँ पर छाप देना एज ए एग्जाम्पल, ठीक। ये ट्रॉपिकल एजेंट समझ में आया, तो इसका हम देख लेते हैं क्या एडवांटेज, ठीक। देखिए कोई भी टॉपिक आए, जैसे टैबलेट आए, तो टैबलेट के बारे में आपको जो भी चीज़ पता है आप उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक, जो भी चीज़ आपको पता है उसके बारे में आप लिखिए। उसके बाद क्या कर देते हैं, यदि क्लासिफिकेशन याद है तो क्लासिफिकेशन, नहीं तो आप क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर लिखिए, ठीक है। इससे लिखेंगे कोई भी, चाहे लिक्विड डोजेज फॉर्म, चाहे कैप्सूल है, कैप्सूल के बारे में जो भी पता है लिखिए, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज लास्ट में जरूर लिखिएगा, और उसका यूज जरूर लिखिएगा, ठीक। ये तीन चार टॉपिक हर एक में सब पे चिपका सकते हैं। जैसे नॉर्मल आ जाए आई ड्रॉप, आई ड्रॉप होता क्या है, किस किस फार्मूले से बना, यदि पता है तो लिखिए, नहीं तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दीजिए, बस खत्म। तो उसी तरह से क्या हो गया, ट्रॉपिकल एजेंट देखें। अब आते हैं किस पे, एडवांटेज पे आते हैं, क्या बोले हैं, देखो इट इज यूज एक्सटर्नली, केवल बाहर यूज किया जाता है,
पहला हो गया, चेहरे को कह दिया चांस ऑफ मिनिमम साइड इफेक्ट। जैसे क्या हो, कोई मेडिसिन खाते हैं, कहते हैं यार ओ मेडिसिन ये दवा हम लिए, ये टैबलेट लिए और हमारा शरीर में रिएक्शन कर गया, पूरी शरीर फूल जाती है। तो मगर ऐसा ट्रॉपिकल एजेंट में कुछ नहीं होता। यदि आप स्किन पे ऐसे अप्लाई कर दिए तो थोड़ा यदि वो साइड इफेक्ट रहेगा, थोड़ा सा इरिटेशन करेगा, उसके बाद क्या करेंगे आप इजीली किसी पानी वगैरह धो लेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। ठीक, तो चांस ऑफ मिनिमम साइड इफेक्ट, मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब बताइए लिक्विड डोजेज फॉर्म से क्या होता, मोस्ट स्टेबल है। जैसे मान लेते हम क्या कर देते हैं, टैबलेट खाते हैं, मान लेते हैं आपकी पैर में कोई एक चोट लगा हुआ है, पैर में यदि मान लेते हैं कोई को चोट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, लिक्विड खाते हैं, हमारे ब्लड में मिलता, ब्लड के थोड़ा टारगेट ऑर्गन पर जाता, उसे ठीक करना धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है, ये होता है ना। तो मतलब इनडायरेक्ट रूप से जा रहा है, मगर उसमें देखा जाए घाव पर डायरेक्ट हम कोई क्या कर देंगे, कोई क्रीम जो उस सड़ने से बचाए, ठीक है, उसे हम यूज कर लें तो बताओ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ही क्या रखा, देखो कर दिया मोर स्टेबल होता है, अब उसमें लगा दिए आराम से जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका घाव, मोर स्टेबल और लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये हो गया। इट फर्स्ट पासेस थ्रो स्टमक, हिपेटिक मेटाबोलिज्म इज अवॉइड। बताइए अवॉइड मतलब क्या होता, जाएगा ही नहीं, जब खाएंगे ही नहीं। देखो पहले यदि कोई लिक्विड कोई डोजेज फॉर्म आप पहले इंटेक करते हैं, खाते हैं तो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, फिर लीवर की मेटाबोलिज के द्वारा फिर वो क्या कर देता, हमारे ब्लड में मिलके तब वो रिएक्शन को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता। मगर ऐसा यानी ट्रॉपिकल एजेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा फायदा ये है। ठीक, ड्रग आर यूज अन अफेक्ट एरिया, मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आप इस छोटा सा एरिया पे क्या कर देंगे, जैसे ये मान लेते हैं इतना एरिया पे क्या चोट लगा हुआ है, तो इतने दूर पे क्या करेंगे हम क्रीम वगैरह लगा के क्या करेंगे, उस एरिया पे लगा के हम यूज कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा, ड्रग्स आर अफेक्ट ऑन, देखो यूज ऑन अफेक्टेड एरिया, मान लेते इतना कट हुआ तो कट ही जगह लगाएंगे ना, ऐसे ना पूरी शरीर हम लगा लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हमारा टॉपिकल एजेंट का फायदा है, क्या एक्सटर्नल यूज करते हैं, इसका जो साइड इफेक्ट होता है कम से कम होता है, मोर स्टेबल होता है अदर डोजेज फॉर्म के। पहली पे क्या कर देता, जो भी मेडिसिन होती पहले स्टमक में जाता है, फिर लीवर में जाता है, हिपैटिक मतलब लीवर होता, फिर अब कोई मेटाबॉलिज्म होती तब वो काम करता, मगर ये सब सारी चीज़ें ट्रॉपिकल एवर्ट अवॉइड करता है। ठीक, क्योंकि हम अंदर ले ही नहीं रहे हैं। ड्रग्स आर यूज अफेक्ट एरिया, मतलब क्या होता है, ड्रग्स यूज किया जाता है अफेक्टेड एरिया पे, यानी एरिया पे डायरेक्ट। ठीक, ये था इसके बारे में एडवांटेज। अब आते हैं किस पे, डिसएडवांटेज पे आते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो मे काजेज स्टेनिंग, मान लेते हैं कोई क्रीम आप यूज कर लें, देखिए यही एरिया पे यूज कर लें तो स्टेनिंग मतलब क्या, कलर दे सकता है। ठीक है, देखो कलर देने का काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये ठीक कर देगा तो कुछ समय के लिए मान लेते हैं ब्लैक कर दिए, जैसे जालिम रोशन यूज करते हैं। ठीक, वो क्या कर दे, फंगस को एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देता, मगर उस एरिया में स्टेनिंग यानी ब्लैक कलर का एक स्पॉट छोड़ देता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, देखो कर दिया अप्लाई मे बी फिंगर कंटामिनेटेड। अब बताओ यानी फिंगर काजेज कंटामिनेटेड, बताओ क्या होता है, यदि हम कोई क्रीम लेते हैं तो क्या कर देते हैं, ऐसे पहले निकालते हैं फिर उस एरिया में ऐसे ऐसे लगा के फिर ऐसे कर देते हैं, मान लेते हैं आपकी स्किन ये जो फिंगर है साफ नहीं है तो कंटामिनेटेड हो सकता है। कंटामिनेटेड मतलब बैक्टीरिया ग्रो करना, उस कंडीशन को कंटामिनेटेड बोलते हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई बैक्टीरिया कोई भी वायरस कोई डिजीज वहाँ ग्रो कर जाएगी जो हमारे हाथ के द्वारा किसी अदर जगह से आई हुई है, तो पहला हो सकता है। ठीक, अब इसलिए मोस्ट ऑफ द क्रीम को क्या कर दिया जाता है, ऐसे है तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे क्या लेते, ये घाव को ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ऐसे अप्लाई कर दिया जाता है, उंगली यानी फिंगर हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं तो क्या कर देता, ऐसे जैसे ये कप है तो क्या कर देती, ऐसे कप दे देती, ऐसे कप यहाँ लगा के और यहाँ से देखा जाए तो थोड़ा सा निकला हुआ रहता तो ऐसे हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता है, किससे, इससे हमारा दूसरा डिसएडवांटेज। मे काजेज एलर्जी, अभी बोले हैं ना, ठीक अभी बोले हैं क्या हो गया, मिनिमम साइड इफेक्ट, मगर जब इफेक्ट होगा तो थोड़ा बहुत एलर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी कहेगा जब इरिटेशन खजली उजली हो जाएगी, यानी इरिटेशन ऑफ द सम पेशेंट, मतलब कुछ पेशेंट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं। ठीक, बोलते हैं क्या, तो कितने लोग मेकअप किए पूरा चेहरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो मतलब वो चीज़ उसके लिए जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए क्या होता है उसके बॉडी रिस्पॉन्स की उसे भगा दी, इसलिए हमें क्या हो जाती है इरिटेशन एलर्जी वगैरह हो जाती है। ठीक, तो हम देखें क्या अगर ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।